आज काशी काफ़ी चर्चे में है आजकल। थोड़ा सा काशी के बारे में चर्चा करते हैं। काशी आज से ही नहीं, आज से हजारों साल पहले से ये काफ़ी विख्यात रहा है। हम काशी के बारे में हमें पुराणों में, ऋग्वेद में भी काशी का उल्लेख किया गया है, और इसके अलावा पुराण में भी मिलता है, अष्टकंद पुराण में। इसके बाद हमें महाजनपद में काशी का उल्लेख है, महाजनपद में। और इसके अलावा काशी बौद्ध और जैन धर्म, महावीर बौद्ध गौतम बुद्ध के समय, और पार्श्वनाथ के समय भी काशी काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इस आगे देखते, बिम्बिसार को दहेज में मिला था काशी। बिम्बिसार ने महाकौशला से जब विवाह किया था, तो बिम्बिसार को कौशल नरेश ने दहेज में दिया था काशी। तो इस तरह हम देखते हैं कि काशी का महत्वपूर्ण बहुत काफ़ी महत्व है। और इसके पुरातत्व विभाग में भी हम देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी काशी विश्वनाथ, काशी में बनारस, हमारा जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ बनारस में, बनारस सारनाथ में स्थित है, जो ईसा से 250 ईस्वी पूर्व बनाया गया था। और जो हमारा भी आज राजकीय चिन्ह भी है, राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा भारत का। तो इस तरह काशी का महत्व काफ़ी है। और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। उसके बाद कुछ समय बाद मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं ने इससे मस्जिद बना दिया था। तो 1780 में ये अन्नपूर्णा देवी होलकर ने इसे फिर से मंदिर बनाया था। और फिर रंजीत सिंह ने इन्हें 1000 से ज़्यादा गोल्ड से इसे बनाया था। तो काशी विश्वनाथ मंदिर आज काफ़ी चर्चे में है अभी, इसलिए हम ये कहा जा सकता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, ये कहा जा सकता है। हालांकि पहले जो भी हमारे देश में प्रधानमंत्री थे, वो धार्मिक मंदिरों में उसमें काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आगे नहीं लाते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये हमारे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। और कोई भी, नेहरू जी भी जब सोमनाथ मंदिर को बनाया जाए, उसको फिर से पुनर्निर्माण कर किया जा रहा था, तो खुद वहाँ नहीं गए थे, राजेंद्र प्रसाद को ही भेजे थे और उनको भी मना कर रहे थे। लेकिन इस तरह वो चाहते, असल में वो लोग भी चाहते थे कि धर्म निरपेक्षता के खिलाफ नहीं जाना चाहते। उनको लगता था कि कोई एक विशेष धर्म में सभी धर्म के लोग हैं, तो विशेष धर्म का अगर हम पालन करें, काफ़ी उसको बढ़ावा दें, तो अन्य धर्म के लोगों को इसे बहुत अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में हमारे पुराने जो भी प्रधानमंत्री थे, इसमें बहुत ज़्यादा आगे आके काम नहीं करते थे। और इसमें बहुत सारा होता है, डिबेट हो सकता है, क्योंकि अगर कोई हिंदू राजा या हिंदू प्रधानमंत्री है तो अपने धार्मिक आस्थाओं को तो व्यक्त करेगा ही। लेकिन अगर किसी वो विशेष पद पे है, जो कि पूरा देश, हर लोग उसमें, उस पर विश्वास और आस्था पे विश्वास करते हैं,
और कोई संवैधानिक पद पर है तो इस पर काफ़ी हो सकता है, डिबेट होता है, हो भी सकता है वो सारा। खैर इस पर हम लोग नहीं जाएंगे सब चर्चा में। और काशी विश्वनाथ मंदिर में हिंदुओं की हमारी काफ़ी आस्था है और उसे बढ़ाया जा रहा है फिर से, और इससे काफ़ी हमारा पर्यटन विभाग को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। और ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।